ये बात भी क्या बाय से रुसवाई नहीं है, ओवर बिलिंग से जान छूट पाई नहीं है। कम इलमी कहें या के सियासी वाबस्तगी, कुछ लोग अब भी कहते हैं महंगाई नहीं है। महंगाई काबू में नहीं आ रही, लेकिन आ रहे हैं वासु चौधरी। से सुनते गाना और धड़कते जाना, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हालचाल हैं? अरे वाह, क्या आपने टी शर्ट पहनी हुई आज तो, इतना ब्लिंग अच्छी लग रही है ना। एजे क्यों लिखा हुआ है? इन्होंने अपनी पहली मंगनी तो पाई सी माशाल्लाह। वेड़ा लिया तो इन्होंने वाल साहब कहते जे इन्हू फरात राख लिया तो ओनू मरी लै गए। ब्रूट वाले ने लड़ पे क्यों? गर्मा पिया डायनासोर का अंडा किन्ने दा। होटल च खाना खाता वासे भाई ने, वेटर बिल लैके आया तो बिल फट के कहिंदे दी आखिरी तरीक कदों है। दुकान पे गए तो कहने लगे भी सिगरेट दे दो, उन्हें कहे जी सिगरेट शॉर्ट है, कहने लगे प्लास से पकड़ के दे दे। बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन है, पंजाब असेंबली के अंदर मेंबर स्टैंडिंग कमेटी है ऑन प्रिविलेजेस, जनाब मियां मोहम्मद साकिब खुर्शीद। साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान फैशन ब्लॉगर मॉडल एंड होस्ट मोहतरमा अरहम कादिर। वेलकम टू द शो जी। आज माशाल्लाह हमारे मुल्क की बहुत ही प्यारी मॉडल तशरीफ लाई हैं अरहम जी, और एक शेर भी मैं बड़े खूबसूरत लाया हूँ साकिब जी। नून लीग और पीपल्स पार्टी कुछ तो करना चाहती है। वाह वाह। नून लीग और पीपल्स पार्टी कुछ तो करना चाहती है, आज हमारी बारी होगी कल को तुम्हारी बारी है। जर्ब जमा तफरीक का हासिल किसके हाथ में आएगा, आप बताएं अंदर खाते पल्ला किसका भारी है। जित के बाजी हार गए ने, जित के बाजी हार गए ने, सब कुछ अपना वार गए ने, जित के बाजी हार गए ने, सब कुछ अपना वार गए ने, ते जिन्ना ली सी धक्के खादे ओ ते मुल्क चो बाहर गए ने। दिल इतना बड़ा है कि वो अंदर समा जाता है। वाह वाह। मैं उसे बुलाता हूँ वो नहीं आता है, मेरा महबूब नाक से फीना है कैसर, वो खराब सालन भी शौक से खा जाता है। वाह वाह वाह। सर क्या हाल चाल है आपके? सर आप पहली बार हमारे पास आए, आपने शो देखा हुआ है? हाँ जी सर। और आप बता कर आए घर वालों को भी? हाँ जी। ठीक है। और दोस्त अहबाब से आपने पूछा जो हमारे शो पहले आ चुके हुए हैं? हाँ जी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि होर सफेद वाल कर लो, बुजुर्गों का बड़ा हया कर दे, काफी मजा और इंफॉर्मेटिव होता है। अच्छा, और आप भी फर्स्ट टाइम आई हैं अरहम, सो यू हैव सीन द शो? जी आई हैव सीन इट यस्टरडे। अच्छा, कल ही देखा आपने? ओके, तो क्या आपको लगा शो देख के? इट वाज वेरी फन, माय एंटायर फैमिली एंजॉयड इट, हम लोग को बड़ा मजा आया देख के, तो आई वाज एक्साइटेड टू बी हियर। ओके, जबरदस्त। तो मियां साहब क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र जी। सर 93 के अंदर आप पहली बार एमपीए बने, और तब से लेके आप अब तक चार दफा पंजाब असेंबली जा चुके हुए हैं। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मियां साहब आप तो बचपन के जमाने से असेंबली जा रहे हैं, मुझे ऐसे लगता है। सीनियर हो गए, असेंबली दी चाबियां ना घुंदियां। अब तो बनती है मियां साहब, चार दफा आप जा चुके हैं और 93 में पहली बार गए, अब तो चाबियां आपको दे देनी चाहिए। 70 में मेरे वाले साहब बने थे जी, मियां खुर्शीद अनवर। अच्छा। पहली दफ़ा कौंसिल मुस्लिम लीग के प्लेटफार्म से जब पीपल्स पार्टी का तूफान आया था, उस वक्त मेरे वाले साहब 27,000 की लीड से कौंसिल मुस्लिम लीग के प्लेटफार्म से जीते थे। अच्छा, उस जमाने में भी? हाँ जी। अच्छा, 76 में बिहाड़ी को डिस्ट्रिक्ट
बनवाया मेरे वाले साहब ने और माशाल्लाह सारी फैमिली सियासतदान है जो शादी होवे वाजा दे ने बजांदे से नारा लाउंदे ने ऐसी बात भी नहीं है तकरीर रख लेने। मगर एक बात बताएं कि 27 साल से तो माशाल्लाह आप इफ आई एम नॉट रॉन्ग जा रहे हैं हाँ असेंबली के अंदर हाँ वो पहला दिन याद है जब गए थे आप पहली दफा असेंबली के अंदर जाके बैठे हाँ जी वो बेंच जिसके ऊपर आप बैठे होंगे हाँ जी वो बेंच भी याद है जहाँ पे आपको बैठाया उस वक्त मंजूर भट्टू साहब जिगाला थे हम अपोजिशन में थे आज भी अपोजिशन में हैं तो यहाँ से पहली बार असेंबली गए ना तो बच्चे जे हैं सर अच्छा पता नहीं कि कितने आ गए एक बंदा कहते किधर आया जी कहते मैं बायोलॉजी का पेपर देना है बायोलॉजी मैंने पढ़ी नहीं मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हिस्ट्री के स्टूडेंट रहे मगर वैसे हिस्ट्री के स्टूडेंट आप रहे साहब तो कोई ऐसा हुआ कि जब आप पहली बार गए और आप जब उस बेंच पे बैठे तो आपने वहां पे जाके नीचे लिख दिया साकिब हार्ट 1993 बल्कि बेंच पे बैठे नहीं तो स्पीकर साहब नु कह रहे ना कोई पीछे मेरे नकल मार रहा है मुंडा मैडम तो असल कॉलेज आपने रिसेंटली छोड़ा होगा तो आपने कभी ऐसा कुछ किया क्लास के अंदर बैठ के बेंच के ऊपर कार्विंग की कोई इस किस्म की सारे एग्जाम के आंसर्स आपको डेस्क से मेरे मिल जाएंगे अच्छा डेस्क से मिल जाएंगे अच्छा आप वो वाली स्टूडेंट थी आप बूटी वाली स्टूडेंट थी हैं और आप इतना फखरिया बता रही हैं आपके घर वालों को पता है कि आप ये करती थी नहीं आई होप ये देखे ना फिर सब सही देखे क्या मतलब ना अब तो आपने बता दिया अब तो आपके क्लास फेलोज भी देखेंगे घर वाले भी देखेंगे ऑन रिकॉर्ड आपने एक चीज बता दी है तो ये जो बैचलर्स आपने कंप्लीट किया मार्केटिंग और मीडिया स्टडीज में ये ऐसे हुआ था अब डिग्री मिल चुकी है आप बेशक बता दें ये इतनी अच्छी स्टूडेंट थी कि अपने वाले साहब को जाके कहती है कि आपने कहा था ना जब मैं पास होंगी तो आप मुझे मेकअप का सामान लेके देंगी और कहते हाँ 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 कहते आपका मेकअप बच गया यार नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुएटेड विद अ 3.2 GPA एंड द 3.2 GPA हाउ इट केम वी ऑल नो नाउ रिगार्डलेस ओए रिगार्डलेस ये तो आपने वो बात की वो जिस तरह एक असलम रईसानी साहब ने बात की थी कि डिग्री डिग्री होती है आप फैशन ब्लॉगिंग भी करती हैं ये कहाँ पे करती हैं आप इंस्टाग्राम मेनली एंड आई ऑल्सो स्टार्टेड वर्डप्रेस आप ब्लॉग्स एज इन रिटन ब्लॉगिंग के लिए करते हो तो आई स्टार्टेड दैट इज वेल बट आई मूव टूवर्ड्स इंस्टाग्राम वेरी फास्ट तो बेसिकली इंस्टाग्राम की ब्लॉगिंग मगर कई बार हमने ये भी नोट किया कि बहुत से लोग ब्लॉगर्स अपने आप को कहते हैं बट इवेंचुअली दे डोंट ब्लॉग उनकी ब्लॉगिंग जो है वो सिर्फ तस्वीरों की हद तक होती है कि तस्वीर लगा देना मगर जो ब्लॉग का पार्ट है वो कहीं स्किप हो जाता है बीच में दैट्स वेरी ट्रू इसको इंस्टा ब्लॉगिंग कहते हैं इट्स अ रिलेटिवली न्यूअर टर्म एंड इट्स बेस्ड ऑन द पिक्चर टेलिंग द स्टोरी फॉर यू तो आपको बेशक आप ना लिखें द पिक्चर द सिनेरियो जिसमें वो पिक्चर पुट की जाती है शुड टेल द स्टोरी फॉर यू तो दैट इज अ न्यू टर्म बट आई बिलीव के द वर्ड ब्लॉगिंग इज मिसयूज्ड बिकॉज पाकिस्तान में ये पूरी इंडस्ट्री इज अ रिलेटिवली न्यूअर इंडस्ट्री आप वाकिफ हैं व्हाट्सएप वगैरह से व्हाट्सएप तो अब देखिए व्हाट्सएप के ऊपर हर वक्त बच्चे आप भी देखते होंगे हर वक्त फोन में घुसे रहते हैं बस हम तो जरूरी सुबह उठकर जो 15-20 दोस्तों को कर लेते हैं बाकी लेकिन व्हाट्सएप का फायदा भी है सर मेरे एक दोस्त ने तो शादी से व्हाट्सएप पे कार्ड भेजा मैं सलामी व्हाट्सएप पे भेज थी मगर आई एम श्योर फैमिली के अंदर भी इस तरह होता होगा जितनी यंग जनरेशन है वो सारी फोन पे लगी हुई है हाँ जी ये कोरोना ने तो और बात करना राय नहीं है कोरोना ने तो और सोने पर सहागा कर दिया जी बच्चे रात को यही लगे रहते हैं बिल्कुल सुबह सोते हैं एमपीए लग ही नहीं रहे मतलब इंज लग रहा सानू समझाना है कयामत आने वाली बेटा है काम सुबह किशोर में नामों की फरावानी में अभी ट्विस्ट कहां आया है कहानी में वो रहना चाहते हैं सिर्फ हुक्मरानी में बड़े खलल न असासों की फरावानी गेट बने फिरते हैं वो रूहे रवा कि जिनके नाम है फहरिस्त बदनवानी में दसो यार आ आज तेनु 20,000 मिल जाएगा ओके आज नून लीग दे मेहमान ने चलो तुसी अंदाजा ला के देखो हेल्प करेंगे वेलकम बैक टू मुज़ाकरात अरहम वैसे आपके नाम का मतलब क्या है काइंड हार्टेड यानी कि नर्म दिल बिल्कुल नर्म दिल अरे वाह अरहम लेकिन आप बहुत प्यारे हैं आपने मॉडलिंग भी की है और इंशाल्लाह एक्टिंग भी करेंगी कुछ जिंदगी के बारे में भी सोचा कि जब ये काम छोड़ देंगी फिर क्या करेंगी जब ये काम छोड़ दूंगी तो फिर मुल्क के लिए कुछ करूंगी मुल्क के लिए क्या करेंगे आप अपने लिए करें कोई बताएं क्या करेंगी मुझे लगता है कि आपकी जितनी भी पॉपुलेशन है ना 50% आपकी जैसे पॉपुलेशन फीमेल्स हैं आई फील कि आपकी कंट्री में चेंज सबसे बड़ा तब आएगा जब आपके
पूरी पॉपुलेशन आपकी इकोनॉमी को जीडीपी को सपोर्ट करेगी। मैं मोहब्बत वाली गल्लां कर रहे हैं, तुसी जहांगीर तेरी नालियां कर रहे हैं। मैं ये सिर्फ चाह रहा हूँ कि होता ना कि आइडियल भी होता है जिंदगी में। जैसे मैं आपका फैन हूँ तो होता है ना कि बहुत ज्यादा फैन हो गई तो वही पसंद आ जाए बंदे को, तो कम होता है ऐसे। अच्छा जी, लेकिन आइडियल को होगा ना जिंदगी में कि कैसा इंसान होना चाहिए जो मेरी जिंदगी, जो हम सफर बने मेरा। बिल्कुल जरूर है, सब मेनू देख के दसो की है। जरूर है, नहीं नहीं है नहीं, लेकिन आई फील के मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा वो यही होगा कि उस जो भी इंसान हो उसके मॉरल वैल्यूज़ और एथिकल वैल्यूज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हों। कौन सी वैल्यूज़ वाला? हाँ प्लीज़, इफ़ यू कैन एक्सप्लेन। यस प्लीज़, ज़रा ऊँची बात। इंसान का ज़मीर अच्छा होना चाहिए और बस। आई फील लाइक कि बाकी सारी चीज़ें ना सेकेंडरी हो जाती हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता ही इंसान का ज़मीर है। जितना साफ और अच्छा होगा उससे ही सबसे ज़्यादा आई थिंक। ज़मीर तो बहुत अच्छा है, आगे आप बताएं और बताएं। सवाल है क्या वो दोबारा पूछे? मैं ज़रा मैं ये कहूँ, होता ना कि ज़िंदगी में हम सफ़र शादी के लिए कौन सा लड़का जिसका जमीर अच्छा और लुक वाइज कैसा हो। एक्चुअली एक शादी दफ्तर भी है तो ये कीप्स ऑन सीकिंग के किसकी क्या डिमांड है, किसी और ये नहीं। और इनके पास बहुत है, इनके पास बहुत, मेरे पास रिश्ते में रिश्ते करा ले कि मैं भी सिंगल हूँ। आपने रिश्ते कराने वाली आंटी सुना होगा, रिश्ते कराने वाले अंकल हैं। अच्छा लुक्स वाइज देखे वो आई फील लाइक ठीक है, नॉर्मल भी चलेगा। नॉर्मल कैसा, मुझे लुक वाइज होना चाहिए, कोई हीरो हो, कोई मेरे जैसा कोई। हाँ आप जैसा हो तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बस मैं मियाबू से बात करूंगा। मियाँ साहब ये शादी ऑनलाइन तो चलता ही रहेगा, आप बताए कि आपके पीछे तो नैब वाले नहीं है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, इन्हें तो पीछे किराएदार नहीं है, नैब वाले तो नहीं है। जारी बात है कोई मिनिस्ट्री वगैरह नहीं थी तो वैसे अब सोचते हैं कि अच्छा ही हुआ कि नहीं थी, वरना ये आ जाते पीछे। नहीं मैं एक्साइज का पार्लियामेंट सेक्रेटरी था 97 में। हाँ नहीं वो तो बड़ी पुरानी बात होगी, आप नहीं ये तो सिर्फ पीछे वाले वो 10-11 साल में पकड़ते हैं, 20 साल पीछे नहीं जाते। तो वैसे कभी कभी सोचते हैं कि चंगा ही होया नहीं दिखती मिनिस्ट्री शहबाज शरीफ। मिनिस्ट्री की ख्वाहिश भी नहीं थी, हमें पावरफुल MPA और पावरफुल काम करने वाला जो हल्के की बेहतरी के लिए काम करे, आवाम की दोस्तों की बेहतरी के लिए काम करे, वो होना चाहिए। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह शहर को मैंने तकरीबन 26 पार्क दिए हैं जी। एक BZU यूनिवर्सिटी है उसका सब कैंपस बनाया और तमाम पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज 3 मैंने बनाए, दर्जनों मिडल स्कूल को हाई किया, प्राइमरी स्कूल्स अपग्रेड करवाए, स्टेडियम वहाँ एक बहुत खूबसूरत बनाया। आप वोट डालती हैं जी? इस दफा डाला था, पहली दफा। इस दफा डाला, पहली दफा वोट डाला, और जिनको डाला वो जीत गए या हार गए? हमें पता था उन्हें जीतना तो नहीं है, लेकिन असूल की बात है। ओए होए, जिनको डाला था वो आपको पता था कि उन्होंने जीतना नहीं है, लेकिन फिर भी आपने उनको वोट डाला और वो हार गए? ओए होए होए होए, मियां साहब कैसा लग रहा है? जो हार गए मियां साहब वो हम होते हैं, आप और मैं। ओहो आप दोनों नहीं है, वो तो पीपल्स पार्टी को वोट डाल के बैठी हुई थी। ओहो क्या बात है। अच्छा आपने पीपल्स पार्टी को वोट डाला, आपका वोट लाहौर में है? बिल्कुल। और आपने लाहौर में पीपल्स पार्टी को वोट डाल दिया, तो वो जो 7 वोट निकले थे उनमें से एक आपका था। चले आज हमें एक तो पता चला कि कौन कौन से थे वो। बड़ी बात है, आपने बात हुई कि आई गेस प्रोबब्ली बिकॉज यू फॉलो देयर आइडियोलॉजी एंड Exactly. I feel like the party may not have good leadership right now, but I support the ideology. And I'm not very much into politics. मुझे बहुत ज़्यादा उसकी information नहीं है. But still, I believe के I support the ideology. No, no, that's perfectly fine. It's your right. I don't want to say. No, no, you should say it. ये हमारा show जो है बिल्कुल खुल खुला के सियासी तौर पे होता है और आवाम है आप, आपका हक है कि आप बिल्कुल बात करें। तो ये इसके पीछे आइडियोलॉजी थी या बिलावल भुट्टो साहब की यंग लुक्स का भी कोई अमल दखल है? नहीं नहीं, my family has been supporting PPP since Bhutto and अच्छा ओहो ये तो बात बहुत पुरानी निकल गई मियां साहब, इधर तो ये वोट फिर नहीं तोड़ा जा सकता। इन्होंने अपने कमरे से ताया पुदी फोटो ले रहे थे, तीर टंगे हुए ने इन्होंने। You know, I am really very happy today. Uh-huh. I'm going to be a seasonal businessman very soon. Seasonal businessman? Yes, somebody called me that. Unhe mainu kya
क्वेटा इज अ बिग हब ऑफ फ्रूट मंडी उतों अंगूर ते गरमा अगर मंगाइए ना ते यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी ओके उतों एक ट्रक 20,000 आंदा इथे कम से कम 1,00,000 ते 20,000 दा बिकदा ठीक है सो आई कॉल देम ट्रकां दे अड्डे दे मालिक दे मुंडे नु मैं फोन कीता उन्ने कहा मैं तेनु इथों एक ट्रक भेज देंगा बट तू बैंक चो ना वो कहंदा 20,000 रुपए दा ड्राफ्ट बना के भेज अगर 20,000 दा एक ड्राफ्ट चला जाए सारी जिंदगी घुमावांगे उन्हां नाल साडा रिलेशनशिप बन जाएगा ठीक है फिर ते भावें पैसे भेजो ना भेजो ट्रक इज कमिंग लाइन ऑन लाइन यस जीटी रोड तो सस्ता पेंदा ते मोटरवे तो महंगा पेंदा डिटेल सारी आप मुझे क्यों बता रहे हैं तुसी 20,000 देना ते मर्सिडीज़ां च फिरना अच्छा मैं आपको डिटेल नहीं बताऊंगा मैं आपको 20,000 नहीं दे सकता लेकिन आज तेनु 20,000 मिल जाएगा ओके आज नून लीग दे मेहमान ने ਪਾਜਨ ਯੈਸ ਨੂਨ ਲੀਗ ਸਿਟਿੰਗ ਐਮਪੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਸਰ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਕੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਟਰਾਈ ਕਰਨੇ ਆ ਹਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਟ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਈ ਲਵ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ You know, ਜਦੋਂ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਜਕੂਮਰ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਰਿਲੈਕਸ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜਹਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਯੂ ਨੋ ਦੈਟ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਕੂਮਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਬੁਲਾਓ ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਬੱਜੇ ਨਹੀਂ मिल गए पैसे देखो जाके पैसे गिनो भाई ने भी पढ़े लिखे यस मास्टर्स इन हिस्ट्री ओ मास्टर ने ना इस काम दे टाइम डोजा दिते ये भी मेरी जाने बाकी रह गए 18 बाजी तो आज कोलो कोई शौक नहीं देखो बाजी ने तो वोट पीपल्स पार्टी को डाला था इसलिए छोड़ दो सिंगर वेलो धागे ने मगरमच्छ बने ओ करे आसिया ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਾਂ ਸੁੱਖੀ ਰੱਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਰੇ ਨਾਲੇ ਵਿਆੜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਲੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਸ ਖਾਨਦਾਨ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਬਣਾਇਆ डोनाल्ड ट्रंप इज कमिंग सून राइट आफ्टर मॉनसून ना करें डोनाल्ड ट्रंप साहब आ रहे हैं अरे नहीं यार यस उन्होंने बयान नहीं जो सुनया जुल्फी बुखारी साहब का क्या उन्होंने क्या इमरान खान साहब के पास इतने इख्तियारात हैं को कोई भी ड्यूल नेशनल उनको इनवाइट करके असेंबली में बिठा सकते हैं जी सर उन्होंने क्या आ बयान जारी होया आ डोनाल्ड ट्रंप दी कॉल वजी मेरे कन्ना दे उत्ते सर जी वीडियो कॉल कीती ने मैंने कहा ना मियां अफजल निर्गोली अगर इमरान खान साहब ने मैंने बुलाया तो मैंने तो अपनी इज्जत की खातिर आना पैना है तो मैं कह सर आओ डर किस गल का है कहंदे ने ओ ना वे इजलास च बाहर निकला ते नए वाले मैंने फाड़ लेन ओ मेरा हादसा निकला मैं कह सर डोंट यू वरीड अबाउट नए वाले इमरान खान साहब दे बंदियां नु नहीं फड़दे ओहो एडा लम्मा कीता ने मेरा हादसा निकल गया मैं क्या सर बेफिक्र होके आओ कोई ऐसी गल नहीं भावे हर हफ्ते आओ हर महीने आओ हर साल आओ वो मैनू कहंदे ने मियां अफजल निर्गोली जी ये गल सी ते दो साल पहले दसना सी
ਅਸੀਂ ਜਸੂਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਨ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਇਜਲਾਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਡੀਓ ਲੈਵਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਚਲਾਕ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਕਮਿੰਗ ਸੂਨ, ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਸ ਤਿਆਰੀਆਂ ਫੜ ਲਓ, ਮਾਸਕ ਹੋਰ ਮੰਗਾ ਲਓ। ਉਹ ਮੀਆਂ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੀਆਂ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਨਫੀਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਬਈ, ਵਿਆੜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਨਤ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਏਡੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਆਵਾਮ ਦੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ ਜਾ ਕੇ, ਬਈ ਇਖਤਿਆਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਸਾ ਸੁਖੀ ਰੱਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਰੇ, ਨਾਲੇ ਵਿਆੜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਲੂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਸ ਖਾਨਦਾਨ ਪੂਰੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੰਮ, ਸਰ ਜੀ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। ਅਰੇ ਯਾਰ ਉਨਕਾ ਵੈਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਰੋੜ ਕੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਰੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਐਸੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਈ, ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ, ਬਟ ਉਨਕੇ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਜੀ ਸਰ, ਹਾਲਾਤ ਸਰ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਕਰਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਹਮਾਰਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਕਾ ਕਾਮ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ, ਟਾਈਲਸ ਕਾ ਕਾਮ ਹੈ ਸਰ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਚ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੀਟਰ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਹੋ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਿਆ ਕਰੋ ਗਾਏ ਬਗਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ 10 ਚੰਦ ਚੜ੍ਹਦੀ, ਅੱਜ ਈਦ ਕਰਾ ਦੀ। ਨਹੀਂ, ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਤੇ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਸਰ ਹੋਰ ਘਰ ਬਾਰ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨੈਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੋਂ 2-4 ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣ, ਪਰ ਕਿੱਥੋਂ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਪੈਸੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸਰ, ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਹੋ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ, ਨਹੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪਿਛਲਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਰ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕੋਈ। ਤੋ ਇਹ ਬਤਾਏ ਸਰ, ਤਸਵੀਰ ਕਿਸ ਕਿਸਾ ਖਿਚਾਏਂਗੇ? ਪਹਿਲੇ ਖਾਜਾ ਆਸਫ ਕੀ, ਖਾਜਾ ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਗੀ, ਸਮਾਈਲ ਕਿਸ ਕੋ ਦੇਂਗੇ? ਅਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਖਾਕਾਨ ਅਬਾਸੀ, ਔਰ ਕਿਸ ਕੋ ਕਹੇਂਗੇ ਕਿ ਫਲੋਰ ਆ ਗਿਆ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਇਜ਼ਾਕਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਜ਼ਾਕਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਕਹਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਫਲੋਰ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲੋਰ ਆ ਗਿਆ। ویلکم بیک ٹو مذاکرات۔ جی تو ساکر صاحب، آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ میاں صاحب، یہ بتائیے، چاند پر جانے کے لیے ایک اسپیس راکٹ میں آپ بیٹھ گئے ہیں، دو سیٹیں ہیں اس کے اندر، ایک پہ تو آپ بیٹھ گئے، دوسرے پہ آپ کسی اور کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں چاند پر، لیکن جس شخص کو لے کے جائیں گے اس شخص کے واپس آنے کی گارنٹی نہیں ہے چاند سے۔ آپ آ جائیں گے لیکن وہ بھائی وہیں پہ رہ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو کس کو چاند پر لے کے جانا چاہتے ہیں آپ اپنے ساتھ؟ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں رانا ثناء اللہ اور طلال چودھری۔ رانا ثناء اللہ صاحب جانے چاہیے چاند پر۔ سر یہ بتائیے، ایک لفٹ کے اندر آپ آئے ہیں، اس کے اندر تین لوگ موجود ہیں، ایک کے ساتھ آپ تصویر کھچوائیں گے، ایک کو آپ صرف مروتن مسکرا کے دیکھ لیں گے، اور تیسرے کو آپ کہیں گے کہ میرے خیال سے آپ کا فلور آ گیا ہے۔ تو آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں خواجہ آصف، شاہد خاقان عباسی اور اسحاق ڈار۔ تو یہ بتائیں سر، تصویر کس کے ساتھ کھچائیں گے؟ پہلے خواجہ آصف، خواجہ آصف صاحب کی تصویر ہوگی۔ اسماعیل کس کو دیں گے؟ عباسی صاحب کو۔ شاہد خاقان عباسی، اور کس کو کہیں گے کہ فلور آ گیا؟ ظاہر ہے اسحاق ڈار صاحب، اسحاق ڈار صاحب کو کہا جائے گا کہ فلور آ گیا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے ہونا ہی نہیں گا، اتھے کہہ دینا ٹیلیفون تے تہاڈا فلور آ گیا۔ یار انہوں نے آ نہیں رہی، فلور تے آ گئے۔ سر یہ بتائیں، ٹائٹینک فلم دیکھی ہوئی آپ نے؟ نہیں۔
आपने सुना हुआ टाइटैनिक के बारे में? सर टाइटैनिक पर जाने का वक्त है, दो वीआईपी पास आपके पास हैं, एक आपका अपना, दूसरे पे आप किसी और को लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और मोहतरमा शीरी मजारी। दोनों के रहने दें। तो जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज पर जाना चाहेंगे। तो सर ये बताइए, पाकिस्तान बनने के बाद पहले चीफ मिनिस्टर पंजाब कौन थे? हिस्ट्री के स्टूडेंट भी रह चुके हुए हैं। फिरोज खानून? नहीं, फिरोज खानून नहीं थे। इफ्तिखार मंदोट। ओए होए होए, बिल्कुल सही, इफ्तिखार मंदोट। ये देखे ना, बस तुसी दस्या नहीं थे, किसी नु नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, आज तक ये गैस कर पाए थे। हैसन उन्होंने नहीं सी पता कि मैं आएगा। ले सर ये बताए, डूबती कश्ती में सवार है, दो लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक आपके अपनी, दूसरी देकर आप किसी की जान बचाएंगे, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको देंगे? ऑप्शंस आपके पास हैं मियां शहबाज शरीफ और मोहतरमा मरियम नवाज। रहने दीजिए, इम्तिहान है जी हमारा। दोनों कायदीन है हमारे। बिल्कुल, तो लाइफ जैकेट या फिर जनरल अपनी अपनी भी इनको देनी। नहीं, अपनी नहीं, आपने देनी, आपकी भी हम देने देंगे। अपनी भी देने को तैयार हूँ जी। ठंड दोबारा, दोनों हमारे बिल्कुल मुल्क के असासा हैं और ये हमारे लाइफ जैकेट के लिए। तो छोड़े, आप जनरल नॉलेज पे जाना चाहेंगे? जनरल नॉलेज करवा लें, लेकिन फिर से एक बार कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा जी। जी बिल्कुल, बात भी ऐसी है, उन्होंने गैस कर लिया। सर पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल का नाम बताएं। सिकंदर मिर्जा। नहीं सर, पहला तुझे गलत ही दस दे सर, जान के। गुलाम अहमद। नहीं सर, सॉरी सर, ख्वाजा नाजमुद्दीन। ख्वाजा है। अगला सवाल, कायद अजम के 14 निकात किस सन में पेश किए गए थे? ये 1940 में। नहीं, 14 निकात करारदाद पाकिस्तान के वक्त 1940। सर नहीं, वो उस वक्त वो और था, ये 14 निकात से पहले आ गए थे। चले मैं अगली तरफ चलता हूँ। सर ये बताइए, पाकिस्तान की कौमी मिठाई कौन सी है? ये नहीं मालूम। वापस जाना चाहेंगे लाइफ जैकेट वाले सवाल पर? तुसी जिते सो ना, आखिरी बारी सब तो ज्यादा वही वंडी गई सी जी। गुलाब जामुन। बर्फी? नहीं सर, बर्फी नहीं है, गुलाब जामुन। सर ये बता दीजिए, मुगल आजम किस मुगल बादशाह को कहा जाता है? जिनको बड़ी तलवार सी। चार ला कर। शहंशाह अकबर को। बिल्कुल, शहंशाह अकबर को। जी आराम देख लिया आपने जी। तो चले अब ये बताएं, आधी रात का वक्त है, आप शदीद बोर हो रही हैं, फोन के अंदर एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है, वो एक कॉल बोरियत किल करने के लिए आप किन को करना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब आसिफ जरदारी और जनाब इमरान खान। आसिफ जरदारी के साथ कॉन्वर्सेशन बहुत मजे की जाएगी। ओए होए, आसिफ जरदारी साहब ठीक है। ये बताइए, लिफ्ट के अंदर एंटर हुई हैं, तीन लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल देंगी और एक को कहेंगी कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अली जफर, फहद मुस्तफा और फवाद खान। तो ये बताएं, सेल्फी किसके साथ है? फहद मुस्तफा के साथ पिक्चर लूंगी। सेल्फी है, स्माइल किसको देंगी? फवाद खान। और किसको कहेंगी फ्लोर आ गया है? अली जफर। अली जफर फ्लोर आ गया है, ठीक है। ये बताएं, मजबूरी के तहत एक तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के आपको अपने घर में लगानी है, रोज सुबह आप उठेंगे आपकी नजर उस जॉइंट साइज तस्वीर पड़ेगी, किसका चेहरा देखना चाहेंगे उस तस्वीर में? ऑप्शंस हैं आपके पास फवाद चौधरी और मुबशर लुकमान। फवाद चौधरी। फवाद चौधरी साहब आप हैं वो। ये बताइए, आप भी जा रही हैं टाइटैनिक पर, दो वीआईपी पास, एक आपका अपना, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती हैं, किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस हैं आपके पास उस्मान बुज़दार और जनाब फयाज़ुल हसन चौहान। उस्मान बुज़दार। कोई खास वजह? हमारे हल्के के हैं। आपके हल्के के? ओ जी। आपका हल्का कौन सा है? सरायकी। जी बिल्कुल, मैं सरायकी स्पीकिंग हूँ, खितरान। तो आपने हमें बताया क्यों नहीं? पूछा नहीं गया। अरे ये देखें सर, उस्मान बुज़दार साहब के हल्के से पहली बार हमें कोई गैस मिला जो उनके हल्के से ही है, हमें तो कोई करीब हल्का हल्का भी नहीं मिलता उनके आसपास। आपका कौन सा है इलाका? तौसा। तौसा शरीफ। ओए बुज़दार साहब, बंदा मिल गया सानू। तौनसा शरीफ से आप हैं और आपने वहाँ भी पीपल्स पार्टी को वोट डाला था? नहीं नहीं, मैंने अपना वो चेंज करवाया था लाहौर के लिए। लाहौर में वोट आपने पीपल्स पार्टी को डाला और तौनसा से आप वैसे हैं और बुज़दार साहब के इलाके से। अरे वाह, इसको तो मेरा दिल चाह रहा है, मैं आप मुझे पहले मैं छोड़ देता इस चीज को। तो ये आप तौनसा शरीफ जाती हैं तो वहाँ पे बुज़दार साहब को लोग जानते हैं? नहीं, आप इनको पता नहीं था ना? नहीं, मगर देख ले सर, अचानक ही एक सरप्राइज तो उन्होंने दिया, अचानक ही इमरान साहब को पसंद आ गए, मगर वरना उनका तो नाम ही नहीं था। लेकिन देख रहे फिर कैसा, मगर टिकट लेने हमारे पास आए थे। मगर मियां साहब ये देखें, फिर ऐसा जब नाम आया तो आप सबके लबों पे एक ही नाम है कि बुज़दार बुज़दार हो गई पूरे पंजाब में। मगर एक बार तो बुज़दार साहब ने हिट कर दिया आके आप सबको। इंटरेस्टिंग लगता होगा कि आपके इलाके के जो है वो चीफ मिनिस्टर है। बिल्कुल लगता है, एंड आई फील लाइक उस हल्के के लिए भी उन्होंने मतलब ही हैजंट डन एज मच एज ही कुड हैव, बट दैट्स अ सेपरेट डिस्कशन। आई फील कि आई हैवंट बीन टू माय विलेज
दैट मच कि मुझे जो आपका पहला क्वेश्चन था कि वहाँ पे कितने लोग उनको जानते हैं उसका मुझे इतना नहीं अंदाजा, लेकिन बिल्कुल आपकी बात सही है कि वहाँ पे अब उस हलके को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिली है जो पहले बिल्कुल नहीं मिली थी। चीफ मिनिस्टर पंजाब का वो हलका है और वो तौंसा शरीफ को उन्होंने बिल्कुल सबके सामने ला के खड़ा कर दिया है, इस चीज का तो क्रेडिट दें हम उनको, चाहे किस्मत थी जो भी था उनते हो गया। मियां वाली और तौंसा में भी काम हो रहे हैं जी पूरे पंजाब के और किसी। अच्छा, वो तो कह रही थी उनको पता नहीं, आप खुशी आपको होगी जान के तौंसा में काम हो रहे हैं, वो बता रहे हैं मियां साहब। नहीं, तौंसा में बजट में तो रिफ्लेक्ट है जी, तो वही ना, तो चीफ मिनिस्टर के फिर हल्के में तो होता है ना। मतलब अब यहाँ पे लाहौर के अंदर भी तो आप लोगों ने पैरिस बनाई ना, चीफ मिनिस्टर का शहर है तो इसलिए लाहौर डिजर्व करता था जी, लाहौर डिजर्व के लोग इधर आके। नहीं नहीं, मगर लाहौर आप ये देखिए, चीफ मिनिस्टर का भी शहर है ना और प्राइम मिनिस्टर का भी शहर था, तो फिर उन्होंने उसको सूप अप किया पूरा का पूरा। तो तौंसा भी अगर पैरिस पुरुष निकल आया तो फिर क्या बात है, दो पैरिस हो जाएंगे हमारे पास। ये बताइए फिर, डूबती कश्ती, दो लाइफ जैकेट, एक आपकी अपनी, दूसरी देकर आप किसी की जान बचा सकती हैं, किसकी जान बचाएंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं उस्मान बुज़दार, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी। अच्छा सवाल है, आसिफ जरदारी। यहाँ भी आसिफ जरदारी साहब ही ये तो पीपी से बिलोंग करते हैं, मगर बड़ी है देखिए इतनी यंग एज के अंदर। आई फील के एज अ पॉलिटिशियन ना, आई रिसेंटली सॉ सम ऑफ हिज इंटरव्यूज और उनका बात करने का तरीका या उनकी, एज अ पॉलिटिशियन ही इज वेरी पॉलिश्ड एंड आई वुड लव टू हैव दैट डिस्कशन विद हिम। तो शहबाज शरीफ साहब भी बड़े पॉलिश्ड नहीं है अब तो? एज अ पॉलिटिशियन मे बी आई फील लाइक आसिफ अली जरदारी इज मोर पॉलिश्ड एंड ये देखें सर, आप देखें आवाम को ये चीजें अट्रैक्ट करती हैं, ये आप लोग देखें। Do I support all of his decisions? वो कह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर मियां साहब हैं, नहीं रिसा मियां साहब, वो उनकी मर्जी है, मगर उनको यूथ को अट्रैक्ट किया कि उनके पॉलिश तरीके से बात करना जो है वो पसंद आया है। डेफिनेटली बिल्कुल, ये देखें चाहे एडमिनिस्ट्रेशन भी उधर की उधर रह गई, वो जो उनके अपने इलाके का वजीर आला है वो भी बेचारे भी वही चीफ मिनिस्टर हाउस में रह गए, ले गए जरदारी साहब लाइफ जैकेट। जरदारी खप्पे, जरदारी खप्पे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन दिस शो, आपका मैडम बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू, अपना ख्याल रखिएगा बहुत सर।